जय हिंद दोस्तों, मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो। आज फिर नए सेशन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर फिर वही कि अगर मेरे चैनल को दोस्त अगर सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीक नई नई रोचक रियल घटनाएं, लाइफ से जुड़ी घटनाएं आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आज मैं नई रोचक कहानी के साथ, लाइव कहानी के साथ फिर आपसे है। ये मैं एक घटना बताना चाहता हूं। कमांडो कोर्स करके आने के बाद एक घटना और हुई मेरे साथ, जो आप जानते होंगे कि 1994 में आपका असम कोकराझार बोडो नक्सलवाद बहुत तेज चरम पर था, और जहां पर हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी की कई टुकड़ियां वहां पर लगी हुई थी, और एक घटना हुई माइंस के दौरान, ओडो के द्वारा, नक्सलवादों के द्वारा लगभग 40 जवान शहीद हुए, कई गाड़ियां उड़ा दी गई, कई अधिकारी शहीद हुए, बहुत ही सनसनीखेज पूरे उत्तर प्रदेश में मातम का, पुलिस में एक मातम का कहर छा गया। इस दौरान फिर उत्तर प्रदेश से एक नई टुकड़ी को तैयार होने को बोला गया कि उसको रिलीव करना है, उसको चेंज करना है, उसमें हमारे कमांडो को टुकड़ी को भी सहयोग में जाना था, हम लोगों का भी विशेष प्रशिक्षण फिर से शुरुआत हुआ कि उस ओडो के बीच में हम कैसे अपने कार्य को अंजाम देंगे माइंस के बारे में, क्योंकि कमांडो को कहा जाता है कि माइंस के बारे में भी जानकारी दिया जाता है कि कैसे बम को डिस्ट्रॉय करेंगे और जरूरत पड़ने पर कैसे बना भी लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से फिर से एक नई तैयारियां, छुट्टियां पूरी तरीके से बंद हो चुकी, जो लोग ट्रेनिंग करते थे छुट्टियां बंद हो चुकी, ट्रेनिंग विशेष, और घरों से सोचिए ऐसे माहौल में जब एक घर घर के लोग पेपर पढ़ते हो, जानते हो कि ऐसी घटना होने वाली है, हुई है, और उसे मेरे घर के लोग जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, मेरा हस्बैंड जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है, तो घरों से कैसे फोन आते होंगे, और हर व्यक्ति भावनाओं से जुड़ा होता है, हर व्यक्ति भावनाओं से जुड़ा होता है, उस समय दोस्त दिल एकदम कहर जाता है, एकदम गदगद होता है, डिसीजन लेने में आदमी कांपता है कि कदम आगे रखें कि पीछे रखें। बहुत लोग मेडिकल के बारे में सोचे, बहुत लोग किसी के बारे में सोचे, लेकिन जो असली जवान होते हैं, जो असली जिनके अंदर जज्बा होता है, जो देश से प्यार करते हैं और जो देश को आगे बढ़ाने के लिए एक रोचक उनके अंदर एक भावना आती है, ऐसे लोग 100% बिल्कुल देश की भलाई की तरफ आगे होते हैं। उसमें हमने भी एक जबरदस्त तरीके से हमने भी उसमें बढ़ के हिस्सा लिया, और लगातार हमने भी सीखा, क्योंकि अभी जस्ट तो हम कुछ ही समय 6 महीने पहले सीख ही के तो आया था, चाहे क्रॉलिंग करना हो, चाहे फायरिंग करना हो, हर चीज, चाहे फिटनेस हो, चाहे दौड़ हो, पूरा एकदम फिट हो। कहा जाता है जब बॉडी में एक जुनून हो, एक जज्बा हो, एक कॉन्फिडेंस हो, एक जोश हो, एक उमंग हो, तो किसी लड़ाई को जीतने के लिए उसके अंदर बुलंदी हो, तो समझिए कि कितना जबरदस्त उसका उस समय तूफान होता है। तो सारी चीजें हमारे पास भी कई चीजें आए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले मेरा देश है, पहले मेरा प्रदेश है, पहला मेरा संस्कार है, पहला मेरा ड्यूटी है जो मुझे सिखाया गया है। लेकिन दोस्त, कहा जाता है लगभग 3 महीने का अंतराल बीता, ये तो वही बात कही जाती है, लोगों के साथ वही चीज होगी जो आप लगातार सुनते भी होंगे। एक शेर के आगे अगर एक बकरी को बांध दिया जाए तो उसको कितना भी खिला दो, लेकिन उसके ऊपर मांस चढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सामने उसका शिकार शेर बैठा है। इसी तरीके से जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना आ गई हो कि आज से 60 दिन बाद फला डेट में मैं यहां से मूव करूंगा और उसी एरिया में जाऊंगा जिस एरिया में मेरे कई भाई शहीद हुए हैं, माइंस से उड़ा दिया गया है, बिल्कुल आने जाने पर पाबंदियां होती हैं, तो कितनी दिक्कतें आती होंगी। लेकिन इसी के बाद जब 84 दिन बीता, उससे एक हफ्ते पहले ये सूचना मिली कि नहीं, ये चीज आप पोस्टपोन कर दिया गया है, अब उत्तर प्रदेश से पुलिस से ना जा करके ये अब टुकड़ी बीएसएफ और सीआरपी वहां से जाएगी, प्योर अर्धसैनिक बन जाएगा,
अब सोचिए जब ऐसी बात आई हो, ऐसी जानकारियां उनके परिवार को मिली हो, उसको मिली हो, उस समय कैसी फीलिंग आई, कैसे खुशी आई होगी। उसके बाद उन लोगों को छुट्टियां दी गई, क्योंकि 3 महीने से छुट्टी भी नहीं गए थे, और छुट्टियां दी गई और जबरदस्त तरीके से गए और बढ़िया से एंजॉय किए और घूम के आए। तो इसी तरीके से हमेशा एक से एक कठिन दौर होते हैं, आते हैं, उसमें डिसीजन लेने में मुझे दिक्कतें होती हैं। एक हमारा उस समय सेंस चेक होता है कि हम किस रूप में डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे मुश्किल वक्त हमेशा आपके सामने जीवन में हर क्षण में आते जरूर है। उस समय दोस्त घबराना नहीं, धैर्य से काम लेना, हौसले से काम करने, और एक दिन 100% आगे चल के आप विजय ही पाएंगे। थैंक यू।